हाँ देखिए कितनी तेज मतलब हवा है और पानी भी भर गए। ये मतलब कि दूसरे दिन है, कल शाम से शुरू हुआ था। कल मतलब हल्की फुल्की शुरू हो गई थी मतलब हवा और बारिश, और आज ये दूसरा दिन है। खेतों में थोड़ा थोड़ा पानी है भरा हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन बारिश कंटिन्यू हो रही है। मैं कितना मौसम आज का, ये आया साइक्लोन का असर है, इधर रांची वगैरह सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं रहेंगी आज और बारिश भी होगी। तो कल रात से ये लगातार बारिश है। आगे से तो दिखा नहीं सकते, ये पीछे कह रही है, इधर हवा नहीं है, थोड़ा कम हवा है, और जहाँ दरवाज़ा खोलने के बाद इतना तेज़ हवा है। अभी हवा बहुत कम हो गया है, सुबह से हवा बहुत तेज़ थी, बहुत। या साइक्लोन है ये, बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी का, उसका असर इधर भी है, रांची में भी है। झारखंड में 4-5 जिले को हाई अलर्ट किया गया है, इसमें रांची का भी है। तो यहाँ पे आज मौसम, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत गर्मी थी कल तक, बहुत ज़्यादा गर्मी, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। और आज ये तीसरे दिन का है। मतलब पूरा नेटवर्क भी खराब था, कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। आज मतलब बारिश हो रही है लेकिन हवा नहीं है, हवा बिल्कुल ही नहीं है, बस बारिश हो रही, कंटिन्यू बारिश हो रही है। हाँ देखिए, दूर दूर तक जितना प्लॉट खाली है ना, सारे में पानी जमा है, शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये पूरा बारिश आज रुकी है, आज चौथे दिन बारिश रुक गई। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये धूप निकलेगा, यह बारिश ऐसा लग रहा है क्योंकि क्लाउडी बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन पर थोड़ा सा मौसम किया हुआ है। क्लाउडी बारिश रुकने के बाद तो भी पूरा मौसम साफ नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि धूप निकलेगा, पूरा सनी टाइप का हो गया। ये पूरा बारिश से जमा हुआ पानी है, बहुत दूर दूर खेत है, आप पूरा जगह यहाँ खाली है ना, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सब जगह पानी जमा हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऐसा समय चल रहा है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, और ऊपर से ये यास का जो कहर है वो और भी ज़्यादा मतलब कि परेशानी वाला हो गया। पहले ताउते आया, फिर यास आया, इससे बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। रांची में तो तब है अच्छी खासी बारिश थी, वैसा कोई भी बहुत ज़्यादा हानि वाली
कंडीशन नहीं थी जैसा कि बंगाल और उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि पानी हुआ लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी। आज मौसम साफ़ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मौसम आज साफ़ है। उम्मीद है कि धूप निकल जाएगा, धूप वाले मतलब सिचुएशन है, तो ये है। और वैक्सीन मतलब कि जो कोरोना का कहर था वो तो है ही, अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि सिचुएशन ठीक हो रहा है। अब लॉकडाउन का असर हो या वैक्सीन का असर हो, जो भी हो, लेकिन है। और मैं इसी बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। खासकर गांव के लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो सकता है ना। ये मैंने जहाँ पर मैं वैक्सीन लगवाया, जैसा मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में कि मैं मतलब जहाँ गई थी खूंटी के जिस गांव में, वो पूरा गांव का इलाका था, सारे लोग वहाँ पर जितने भी लोग हम लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, सारे लोग हम लोग बाहर के थे, यानी कि रांची से हम लोग गए हुए थे। वहाँ के सिंगल नॉट अ सिंगल पर्सन कोई भी आकर के वहाँ वैक्सीन नहीं लगवा रहा था, सारे लोग हम लोग बाहर से जाकर लगवा रहे थे, सारा स्लॉट वहाँ का खाली था। और मैं इसलिए गांव के लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जाकर वहाँ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और क्योंकि आप लोग ये गलत धारणा ना डालें कि इससे हमारी कोई बुरा मतलब आप पे बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। सिर्फ गांव वाले की गांव के लोगों की ही नहीं, शहर में भी बहुत लोगों में अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग धारणा है, अलग विचार बैठा हुआ है कि इससे ये गलत असर हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि इससे गलत असर है हमारे शरीर पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी गलत विचार अपने मन में मत पालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग वैक्सीन डलवाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, जैसे उन लोगों को फीवर हो जाता है, दर्द होता है, तो उसी तरह से बड़े में भी इस वैक्सीन से मतलब कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम है। जैसे मैंने लगाया तो मेरे घर में 4 लोगों ने लगवाया, तो मेरी बेटी को छोड़कर सभी लोग ठीक थे। मतलब थोड़ा बहुत किसी को फीवर है तो किसी को वो भी नहीं, हमारे में तो सिर्फ सर दर्द हो रहा था और मेरे बाजू में दर्द था। बेटी को थोड़ा ज़्यादा मतलब कि हो गया, वो फीवर हो गया, उसको थोड़ा सा चक्कर वगैरह आने लगा, तो उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पानी भी नहीं उसने पिया था, इस वजह से भी हो सकता है। मैं अपनी मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मेरे में तो कोई भी ऐसा मतलब कि नहीं हुआ, सिर्फ सर में थोड़ा बहुत दर्द था और ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं थी। मेरे घर में मेरे भाई लोग ने भाई दोनों भाइयों ने लगवाया है, तो उन लोगों को फीवर है, भाई भाभी को भी फीवर है, हल्का फुल्का है, फिर वो 2 दिन के बाद वो लोग नॉर्मल ठीक हो गए। तो मेरे संपर्क में जितने लोग भी हैं ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं आई। और मतलब कि ऐसा कोई भी आप लोग गलत धारणा ना पालिए, आप लोग बिल्कुल जाइए और अपना जाकर के वैक्सीन लीजिए। पूरा स्लॉट खाली रह जा रहा है और वैक्सीन की बर्बादी है, तो आप लोग जाइए, ज़रूर जाइए और अपना और अपने पूरा परिवार को सुरक्षित कीजिए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट वाली रेसिपी, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा दर्द है और मतलब कि बनाने का ही मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा टेस्टी रेसिपी बनाई जाए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। और मैं यहाँ बना रही हूँ तहरी, और जो मैंने इसमें डाला है उसकी क्लिप मेरे से पता नहीं कैसे हट गई, तो इसमें मैंने लहसुन डाला है, 2 लौंग, 2 गोल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा मतलब कि अदरक है, सबको कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने कुकर बैठाया है, उसमें सरसों का तेल डाला है, और मैं यहाँ पर सोयाबीन चंक्स जो है मैं ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद मतलब मैं पानी में डालूँगी। पहले जनरली मतलब कि पानी में डालकर उसको उसके सारे पानी को निकाल कर तब लोग भूनते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भून लूँगी। और इस तरह से आप बना कर देखिएगा, आपका सब्जी का स्वाद ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं यहाँ पर इसको रोस्ट करने के बाद जो हल्का लाल होने तक, हल्का लाल होना है पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं दोनों तरह से बनाती हूँ सब्जियाँ, कभी इसको पानी में फैले डालकर बाद में भूनती हूँ और इसको भी करके तब बाद में पानी में डालती हूँ।
आप कभी बनाकर देखिएगा, इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं इसे गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और इसको इसके बाद अच्छे से धो लेना है 3-4 पानी से। और दोबारा मैंने उसी कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें मैं 1 चम्मच शुद्ध घी डालूंगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, मतलब दोनों को मिक्स करके। और मैंने यहाँ पर डाला है जीरा, थोड़ा सा, थोड़ी सी दालचीनी, और ये है फुलचकरी जिसको बोलते हैं, स्टार एनिस बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च डाली है कट कर। तो अच्छा से थोड़े हरी मिर्च पक जाए तो फिर मैंने यहाँ पर प्याज डाला है, 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं मैंने। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, प्याज को थोड़े लाल होने तक, गुलाबी लाल होना है तब तक हमको इसे भुनना है। देखिए इतना होना है, होने तक भून लेना है। उसके बाद जो मैंने कूटा था ना, इसमें उसको इसमें डाल देना है। और जब अच्छे से लहसुन का, मतलब कि जो पेस्ट था, उसको अच्छे से भुन जाने के बाद मैं यहाँ पर रेगुलर मसाले डाल रही हूँ। उसमें मैंने हल्दी डाला है, धनिया डाला है और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखी नहीं खानी है तो आप मिर्ची स्किप कर सकते हैं। और इसमें जो पेस्ट का मतलब बचा हुआ था उसको मैंने पानी से करके डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई मसाले थे, थोड़ा सा जलने का ये था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और अच्छे से भुन जाए तब मैं यहाँ पर डालूंगी आलू। और ये गोभी, गोभी को मैंने कट करके गर्म पानी में डाला है, थोड़ा सा कीड़ा का डर होता है तो फिर मैं ऐसे डाल देती हूँ। और फिर हम लोग थोड़ा भून लेंगे हल्का पकने तक। ये तहरी बहुत अच्छी लगती है, इसमें किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता। और मैंने डाला है नमक ताकि सब्जी अच्छे से थोड़ा गल जाए। और यहाँ पर 2 मिनट भूनने के बाद मैं ऐड करूँगी सोयाबीन, जिसको मैंने भून कर पानी में डाला था। उसको मैंने अच्छे से धो लिया है, 3-4 पानी से सोयाबीन चंक्स को धो लिया है, फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद जब भून जाए, 4-5 मिनट तक भून जाए, तो फिर मैं यहाँ पर मटर ऐड कर रही हूँ। ये फ्रोजन मटर है इसलिए मैंने यहाँ लेट से ऐड किया है। अगर आपका फ्रेश मटर हो तो आप गोभी के साथ ही मटर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है चिकन मसाला, थोड़ा और सारे मसाले भून जाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, अच्छे से फाइन चॉप किया है चॉपर में। और टमाटर डालने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और मैं यहाँ डाल रही हूँ चावल, मेरे ये बासमती चावल नहीं है, ये कतरनी है, वही मैं डाल रही हूँ जो मैं रेगुलर खाती हूँ। अगर आपको बासमती का मन हो तो बासमती डाल के बना सकते हैं। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, और इसके साथ कोई सब्जी दाल वगैरह का भी जरूरत नहीं होता। अगर बहुत मन है तो आप रायता बना सकते हैं और इसके साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ। नमक आपको चेक करना हो तो पानी डालने के बाद आप थोड़ा सा नमक टेस्ट कर सकते हैं। नमक पानी में नमक का स्वाद आना चाहिए, तभी आपको इस तहरी में नमक पता चलेगा। उतना नमक डालना है ताकि आपको पानी में नमक का स्वाद अच्छे से आ सके। और बंद कर देना कुकर, और इसको 2 सीटी आने तक पकाना है। ये सीटी लग गया, और अपने आप, जब तक अपने से प्रेशर खुलना चाहिए, खुलना नहीं है तब तक इसको छोड़ देना। 2 सीटी आने के बाद इसको छोड़ देना है। और हल्के हाथों से चारों तरफ से हम लोग चावल को निकालेंगे। और दही रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत चटपटा लगता है, इसके साथ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो
चलिए मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।